हाय फ्रेंड्स, मैं शाली रसोगी। आज आपको समय के चावलों की खीर बनानी बताऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए हमें चाहिए समय के चावल, एक कटोरी समय के चावल, एक कटोरी चीनी, आधा कटोरी मलाई, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, सफ़ेद इलायची पाउडर और दूध। ये समय के चावल हैं जो कुछ इस तरह से होते हैं, छोटे छोटे। इसको हमने धो के रख लिया है और 2 घंटे के लिए भिगो दिया है। अब हम गैस जलाकर भगोना रखेंगे और उसमें अपना दूध को एक उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें उबाल आ चुका है और हम इसमें अपने चावल को ऐड करेंगे जो हमने भिगो के रखे थे। और हल्के हाथ से इसको चलाते रहेंगे। और हल्के हाथ से इसको चलाते रहेंगे धीरे धीरे और गैस को सिम कर देंगे। इसको हमें चलाते रहना है लगातार। अब हमें इसे चलाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब आप देखेंगे कि ये गाढ़ी होने लगी है और ये इसके चावल जो हैं वो गल गए हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं इस तरह से, ये जो दाने हैं इसके दबा के देख लेते हैं कि ये गल गए हैं या नहीं। ये गल चुके हैं। अब हम इसमें अब डालेंगे पाउडर, लाल इलायची का पाउडर, और इसको हल्के हाथ से चलाते रहना है जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ी नहीं हो जाती है। ये खीर बहुत जल्दी बन जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसको हम व्रत में भी खा लेते हैं, समय के चावलों को व्रत में भी खाया जाता है। अब हम इसमें डालेंगे अपने जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसको भी ऐड कर लेंगे और इसको चलाते रहेंगे ताकि ये गल जाएँ थोड़े से। हल्के हाथ से चलाते रहना है इसको, गैस को धीरा ही रखना है। और जब ये अच्छी तरह से गल जाएंगे ड्राई फ्रूट्स तब इसमें हम अपनी चीनी डालेंगे। अब हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो गल चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे चीनी, एक कटोरी चीनी और एक कटोरी चावल, और इसको चलाते रहेंगे हल्के हाथ से जब तक कि चीनी गल नहीं जाती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मलाई, इससे खीर हमारी चिकनी बनेगी और स्वादिष्ट भी बनेगी। अब इसकी चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है और ये तैयार हो चुकी है हमारी खीर। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए बाहर ठंडा होने रखेंगे और उसके बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने रखेंगे और फिर सर्व करेंगे। अब ये खीर हमारी बनके तैयार हो चुकी है, ये कुछ इस तरह से दिखेगी। थैंक यू।